हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएनडी स्टूडेंट बॉक्स। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड में जो एक अपॉर्चुनिटी अभी हमारे सामने आई है। ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एज वेल एज सारे ही स्टूडेंट को। बट जो अभी आया है, ये जो ग्रेड ए का रेगुलर नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे नाबार्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की, जो हर साल ये लोग लॉन्च करते हैं, नाबार्ड की तरफ से हर साल आती है। तो इस बार की जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो ये है किस चीज के लिए, SIS इसको बोला जाता है, नाबार्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम 2024 एंड 2025। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कितने स्टूडेंट्स के लिए है जो परस्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, कंप्लीट कर लिए या अभी फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए एग्रीकल्चर या फिर एलाइड डिसिप्लिन में, चाहे वेटनरी हो, फिशरीज हो, ये भी इंक्लूडेड है। एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट, और स्टूडेंट परस्यूइंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट कर चुका है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप MSc कर रहे हैं या फिर MBA कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, तो उसमें अगर आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं, मैं आपको कहूँ, आप बिना किसी सेकेंड थॉट के इसमें अप्लाई कीजिए। बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये टाइम आपके पास होता है और इन्होंने बहुत एक लंबा टाइम दिया है, 8 वीक्स का ही ये है। और 8 वीक्स का टाइम आपको एक जब एक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर चेंज होता है उसके बीच में मिल जाता है। ओके, सो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे, और मैं कहूंगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर स्टूडेंट्स को जो भी इसमें एलिजिबल है उनको अप्लाई करना ही चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 40 है, 35 स्टेट वाइज रीजनल ऑफिस में और 5 हेड ऑफिस में। ओके, तो ये डिटेल ब्रेकअप नीचे नेक्स्ट में दिया है। थीम क्या है जिसपे काम करना होता है, आप देखिए कितनी अच्छी थीम है, कितनी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले KCC का कवरेज, इश्यूज और स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव लैंडिंग थ्रू द KCC, मतलब KCC का क्या कवरेज है, क्या इश्यू है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और उनकी प्रोफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अगर लास्ट ईयर का बजट आपको ध्यान होगा, कंप्यूटराइजेशन ऑफ 93,000 पैक्स का टारगेट लिया गया था। स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन डिवाइसेस फॉर द प्रिसीजन फार्मिंग, उसका इंप्लीमेंटेशन, एक्सेप्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस क्या है, ये चीज। उसके अलावा किसी भी 3 थीम में जो RO और जो भी उनके इंस्टीट्यूट होंगे जहां पे भी आप पोस्टेड रहेंगे वो जो भी बताएंगे। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं ब्रॉडली काफी अच्छी थीम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, तो वही सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इंटर्नशिप का जो स्टेट होगा, या तो आप वहां से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप उसके रेसिडेंट हो, और मुंबई में ओपन टू ऑल है, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी वहां अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के वेटेड स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होगा। इंपॉर्टेंट जो डेट इसमें है उसमें आप देखेंगे अप्रैल 5th को ये ओपनिंग होगी रजिस्ट्रेशन की आज से, और जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 21 है, शॉर्टलिस्टिंग 23 तक हो जाएगी, और उसके बाद इंटरव्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो अप्रैल 30 तक हो जाएगा। यहाँ पे जाके आप लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आप देख लीजिए, इंटर्नशिप मिनिमम 8 वीक्स की होगी, मैक्सिमम 12 वीक्स की, मतलब आप देख सकते हैं 2 to 3 months की रहेगी। और इंटर्नशिप आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एंड और इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एंड कंप्लीट द इंटर्नशिप बिटवीन 1 May से 30 August, तो इतना टाइम दिया है, इसके बीच में कभी भी आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा कितना मिलेगा इस पूरे पीरियड में, देखिए पेड इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड पर मंथ मिनिमम 8 वीक्स और मैक्सिमम 12 वीक्स की 18,000 पर मंथ है। फील्ड विजिट होता है, उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं 2,000 पर डे फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और 1,500 है बाकी स्टेट्स के लिए। ट्रेवल अलाउंस और बाकी सारी चीजें का आप देख सकते हैं वो 6,000 पर हेड रहता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑन डिक्लेरेशन बेसिस वो 2,000 रहेंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप एग्रीकल्चर का जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। सीक्रेसी की ओथ लेनी होगी कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। स्टाइपेंड कब रिलीज किया जाएगा, तो जैसे ही कंप्लीशन होगा वो
वैसे ही आपको रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी सारी चीजों के लिए आप देख सकते हैं, बाकी कहाँ कितनी सीट्स हैं, प्रपोज सीट्स वो यहाँ पे मेंशन की हैं। हर आरओ में एक एक वैकेंसी है और हेड ऑफिस में 5 वैकेंसीज हैं। तो ये ओवरऑल इस नोटिफिकेशन के बारे में था। सो अगेन सारे स्टूडेंट जो भी एमएससी में है या फिर जो भी इसमें एलिजिबल है, आप जरूर कीजिए। आप चाहे एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, बिना किसी थॉट सेकंड थॉट के इसको अप्लाई जरूर कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर नाबार्ड SIAS 2024 एंड 25 स्कीम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट